आ व्यू हैगा जे सामने पहाड़ियाँ मस्त माहौल त्या हैगी अलकनंदा जिहड़ी ओह आंदी है बद्रीनाथ तो उपरों लंघ के एंड पॉइंट जिथे रूट भी नहीं जाता जिथे अजकल ग्लेशियर जमे पे ने उधरों आँदी है। कल दे आपां गुरुद्वारे आए हुए हैं जोशी मठ जिहड़ा हेमकुंट वाला गुरुद्वारा है अगे वाला जिहड़ा गोविंद काटा उही खुल्या बाकी वाला रस्ता कह रहा बंद हैगे आ चाहे वह माणा वाला रोड ला लो चाहे जिन्हें भी रोड ला लो सारे बद्रीनाथ वाले कुछ मुंडे मिले से मैनू वो बद्रीनाथ काम करन जा रहे थे इस करके रूट खुल्या नहीं है परमिशन की लोड़ पैंदी है। हेमकुंट साहब गुरुद्वारा अपने जोशी मठ च मैं तानाशाही को नहीं मानता क्योंकि मेरा पंथ पांच प्यारों की लोकतांत्रिक सत्ता को का पैरोकार है। हिंदी में लिखा हुआ ज़्यादातर इस तो अगे पंजाबी सारा कुछ लिखा हुआ कंबल स्टोर तो आएगा ऑफिस बैक टू द चैनल वीरो जोशी मठ में जिहड़ा हेमकुंट गुरुद्वारा सी उत्थे आप रुके सी ते करदे आ जर्नी लंगर वंगर छक लिया अगे तो जर्नी स्टार्ट करदे आ जोशी मठ दी पहली झलक BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कांगरिया 13 फूलों की घाटी 17 हेमकुंट साहब 19 ऋषिकेश 271 है गया इतों तो आएगा आखिरी टाउन है हेमकुंट साहब गोविंद काट नहीं है वो वाला पैगा ये जा रहा रास्ता कच्चा रास्ता गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहब जी गोविंद काट इतने मिल गया अपन जगह रहन दी कमरे च गोविंद घाट पहुँचे हैं। गोविंद घाट तो जड़ा अपना रूट जाता है हेमकुंट वाले पासे तो एक गोविंद घाट तो इधर उपर निकल जाता बद्रीनाथ वाले पासे हनुमान चट्टी वाले पासे तो आ हैगी जगह ये रूट जा रहा जितों ट्रैक स्टार्ट होंगे इस तो बाद मतलब जो पिंड आता पिंड तो बाद ट्रैक स्टार्ट हो जाता तो आ पिछे है अपना गोविंद घाट आ ब्रिज आप पहला क्रॉस करना पैंता ब्रिज क्रॉस करने तो बाद फिर आप जो अपना हेमकुंट वाला रूट तो चढ़ जाएगा तो हूँ ये बंद हैगा थोड़ा जहा मौसम भी खराब हैगा कदे भी खराब हो जाता मौसम तो ये बंद हैगा इस करके इतने कोई उन्ने यात्री नहीं है यात्री की लोग भी बाले घट है मैं कल्ला आया मैंने एक दिन इतने रुकन की परमिशन मिली आ अपने गुरुद्वारे हले सेवा भी स्टार्ट नहीं हुई ना जे सेवा स्टार्ट हो जाती फिर तो सेवा के नाल बंदा लग जाता हूँ 2 महीने का टाइम पै जाएगा 2 महीने तक कुछ इतने हले हलचल होनी नहीं उस तो पहले कि मतलब खबर क्ढन गए कि सेवा स्टार्ट हो गई आ फिर जनता इतने सेवा वास्ते आएगी उस तो बाद 2 महीनों के करीब ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा अपने गुरुद्वारे का हेमकुंट के दर्शन स्टार्ट हो जाएंगे तो और नीचे है गुरुद्वारा तुम्हें थोड़ा व्यू दिखा दिना बाला कैंट व्यू है मौसम कदे भी खराब हो जाता मौसम का कोई नहीं कहना मौसम कदे भी खराब हो सकता तो आ वेखो ठीक है आ लिखा हुआ सारा सिस्टम आ देखो पर्यटकों के लिए आवश्यक सूचना तो आएगा ब्रिज जिन्हों क्रॉस करके जाना पैंदा सामने जिहड़ी रिवर हैगी आ अलकनंदा ये बाल ही उपरों आती है तो आ सामने ग्लेशियर बर्फ पई हुई है सारी आ वेखो खाली पिया जमा 2 महीनों तक इतने कोई पर्यटक नहीं आना सेवा स्टार्ट हो सकती है कुछ टाइम बाद पर हाले नहीं हुई वो भी तो इधर पै जाएगा ट्रैक मौसम खराब बारिश हो रही है बैठन की जगह हैगी ध्यान च रख लो कि जगह हैगी गुरुद्वारा सामने गुरुद्वारे भी ज़्यादा बंदे नहीं है मैनेजर नाल गलबात की पहले तो मैं कहते रुक नहीं सकते फिर मैं मिन्नत मुन्नत की कि एक दिन वास्ते रुकन दो इन्नी दूरों आया दोबारा पता नहीं कदे आना हो ना हो फिर कहते चल ठीक आ
सिर्फ एक दिन वास्ते रुकन दिता ने। मौसम खराब हो गया, बारिश पैन लग गई दोबारा तो। बारिश कदे भी हो जाती है, अजकल बारिश का बड़ा ज़्यादा माहौल बना हुआ। चेतावनी 18 टन के लिए सुरक्षित है सेतु से, एक बार में मात्र एक भारी वाहन 18 टन की क्षमता अथवा वाह दो। ठीक है, मतलब सारे रूल लिखे हुए हैं, जे रूल की उलंघना की जाएगी तो उनकी सज़ा दी जाएगी। बाकी राती आप जोशी मठ रुके सी, जोशी मठ में गुरुद्वारे हेमकुंड रुके सी, उस तो बाद आप इतने आए हैं। मार्केट हैगी पीछे छोटी जी, मार्केट तुहानू विखा देवे जाते हुई। बाकी तो इतने एक पिंड पै जाता घंगरिया, जगह पै जी पिंड शायद जा कोई जगह का नाम हैगा घंगरिया पै जाता जो आप ट्रैक स्टार्ट करने हैं। तो हले बर्फ करके सारा कुछ जमया पा होना, उत्थे इन्नी बर्फ हैगी है कि हले सेवा भी स्टार्ट नहीं हुई, ता करके जिहड़ा हेमकुंट हैगा ना सारे नालों बाद च खुलता, पहला नहीं खुलता, सारे नालों बाद च आके हेमकुंट खुलेगा। उस तो पहला जिहड़े बाकी दे थाम हैगे ने वो गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ अपना तुंगनाथ जिन्हें भी अलग अलग है वो खुलेंगे, एंड ते आके फिर हेमकुंट खुलेगा 2-2.5 महीनों बाद। सारे नालों एंड ते खुलता होंदा क्योंकि ग्लेशियर वाला इलाका हैगा, ज़्यादा व्डे व्डे ग्लेशियर पाए जाते हैं, इस करके जल्दी खोल नहीं सकते, तो इनका सारे टाइम एंड ते होंदा। आ व्यू हैगा जे सामने पहाड़ियाँ, ठीक है उपर देख लो जंगन जी पहाड़ियाँ ने है जिमें अपन अपने उधर लद्दाख वाले पास वेखन को मिलदिया ने, उधर पिछे है पहाड़ियाँ जी जमा पत्थर वाली है जड़िया पहाड़ियाँ ने, फिर भी थोड़े बहुत रुख है जिंदे करके सह लैने ज़्यादा दिक्कत नहीं गी। तो हैगी अलकनंदा जी आँदी है बद्रीनाथ तो उपरों लंघ के एंड पॉइंट जिथे रूट भी नहीं जाता, जिथे अजकल ग्लेशियर जमे पे ने उधरों आँदी है। आ ब्रिज हैगा, आ माहौल हैगा जी मित्रों, नज़ारे आ रहे नज़ारे, लंगर वंगर छक लिया है तो मस्त माहौल। इतों के वर्कर जोड़े काम कर रहे हैं भाजी होरी और सामने जोड़े देख रहे आपे आ है माहौल इतों का, हो रहा पुल जितों आप आए सी पहाड़ी इलाका। सारिया शॉप बंद पे देखो कोई भी नहीं खोली, सब शॉप्स ऑफ। छे बजे का टाइम हो चुका, ये अपना उही फिरदिया पलाके, इधरे भी नहीं जा सकते क्योंकि सारा कुछ बंद हैगा, फुलो वाली घाटी है सारा कुछ बंद आ, ट्रैक भी बंद आ, यह रूट भी बंद आ बद्रीनाथ वाला। अज ही आप इतने रुकेंगे तो कल मैं लगता अपने इतों निकलना पेगा वापस, वापस आप उत्तराखंड के उस पास पिथौरागढ़ वाले पास जाने की कोशिश करा जिथे पहुँचा जाता। बस आ अपने पिछे हुई ब्रिज ब्रिज आ गया ब्रिज, हूँ चलेंगे आप अज गुरद्वारे रुकन का प्रोग्राम हैगा, आप गुरद्वारे रुकेंगे तो कल फिर निकल जावे इतों। ये वीडियो मित्रों इन्ना भी तो देख लवे अगली वीडियो जो चंकी लगे तो ठीक है, क्योंकि व्यू वाले थोड़े आ रहे हैं, पांच व्यू कितों आते हैं वो ही 7 घंटे च, जो वीडियो सही नहीं हैगी तो क्या कर सकते। ठीक है, ओके बाय बाय, गुड नाइट।